आज मैं आप सबके साथ शेयर करने वाली हूँ गेहूं के आटे से बहुत ही बढ़िया खसखस गेहूं के आटे के लड्डू बनाने की बिल्कुल नई विधि। ये वाली जो मेथड है ना, ये आपने शायद ही कहीं देखा हो, बिल्कुल नया मेथड आप सबके साथ शेयर कर रही हूँ। इसमें आपको ज़्यादा घी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, 4 चम्मच घी में आप बहुत ही बढ़िया शानदार से लड्डू बना करके तैयार कर सकते हैं। और इसकी बहुत ज़्यादा खास बात ये है कि आप इसे जितना चाहें उतना खा सकते हैं, क्योंकि ये बगैर चीनी के बन के तैयार हुए हैं। तो जो लोग सोचते हैं ना कि यार मीठा खाएंगे वेट गेन हो जाएगा, तो आप त्यौहार में उस टेंशन को भूल जाइए। तो यहाँ पर हमें चाहिए देसी घी। तो हम यहाँ पर आज पूरी रेसिपी में केवल 4 टेबल स्पून घी यूज़ करने वाले हैं, जिसमें से 2 टेबल स्पून घी मैंने यूज़ कर लिया है। अब ये देखिए, कुछ इस तरीके से हमें ये मोटा वाला आटा लेना है, ठीक है। तो 2 कप हम गेहूं का आटा यूज़ कर रहे हैं। मैंने दिखाया कि थोड़ा सा मैंने जो मोटा पिसा हुआ आटा होता है वो यूज़ किया है। आपके पास अगर नॉर्मल आटा है तो कोई बात नहीं, आप नॉर्मल आटे से भी ये रेसिपी बना सकते हैं, लेकिन फिर उसको पता है छान के मत लीजिएगा, ऐसे ही यूज़ कर लीजिएगा अगर आपके पास नॉर्मल आटा है। मल्टीग्रेन आटा है तो और भी अच्छा है, मल्टीग्रेन आटे से भी ये लड्डू बहुत ही बढ़िया बन जाते हैं। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, पहले आटे को अच्छी तरीके से भूनना है। तो जब तक इसका बढ़िया सा कलर चेंज नहीं हो जाता है, आप इसे बिल्कुल लगातार चलाते हुए भूनें। और एक बात ध्यान रखें, कभी भी आटे का लड्डू बनाएं या आटे की पंचीरी बनाएं या आटे की बर्फी बनाएं, हमेशा आटे को बिल्कुल धीमी आंच पे ही भूनें, तभी ये अच्छे से भूनता है, इसमें से बढ़िया सी खुशबू आती है और प्रॉपरली इसका कलर भी आता है। तो लगभग आपको 5 से 7 मिनट लग जाएंगे अगर आप बिल्कुल धीमी आंच पे भूनेंगे, और तभी जो है इसके बढ़िया से लड्डू बन करके तैयार होंगे। तो इस समय आप सभी को मेरी रेसिपीज़ पसंद आ रही है कि नहीं आ रही, आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। इसके अलावा शॉर्ट वीडियो में मैंने कोशिश कर रही हूँ कि मैं आप सबके साथ जो है जो तीखे की रेसिपीज़ होती है, स्नैक रेसिपीज़ होती है, वो भी शेयर करूँ, तो उन्हें भी आप ज़रूर से देखा करें। और अब मैंने इसमें सत्तू ऐड किया है, ध्यान रखिए बेसन नहीं है, ये सत्तू ऐड किया है मैंने। ये मैंने जो है 1/4 कप सत्तू ऐड किया है, तो जिसे जो हमारे भुने हुए चने होते हैं उससे सत्तू बनता है, और उसी को मैंने ऐड किया। अगर आपके पास सत्तू नहीं है तब आप बेसन यूज़ कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी, इससे फ्लेवर थोड़ा इन्हेंस हो जाता है, इसलिए हमने इसमें आज यूज़ किया है। गैस को आप बंद कर देंगे, अच्छे से भुन चुका है आटा, बढ़िया सा कलर आ चुका है। अब यहाँ पर आप एक प्लेट लीजिए, उसको आप थोड़ा सा ऐसे ग्रीस कर लीजिए, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे घी लगा दिया है, प्लेट को ग्रीस कर लिया है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, ये जो आटा है ना, इसको हम गरम गरम ही आटा है इसको हम डाल रहे हैं इस प्लेट में। मैंने आटे को ठंडा नहीं किया है, गरम, जैसे अभी रोस्ट किया तो तुरंत ही एक तरह से आपको ट्रांसफ़र करना है इस तरह के की ग्रीस की हुई प्लेट में या फिर थाली में, जो कि थोड़ी सी ऊँची हो, उठी हुई हो, जैसे कि आप देख सकते हैं, ऐसी थाली रहेगी तो ज़्यादा सही रहेगा। तो सारा का सारा जो है हमने इसके अंदर जो मिक्सचर है वो सारा डाल दिया है, और अब हम इसे इसी तरह से देखिए थोड़ा सा फ्लैट कर देंगे, इस तरह से देखिए आपने फ्लैट कर देना है। और इसके बाद मैं आपको ये जो तरीका शेयर कर रही हूँ ना, ये इससे क्या होगा कि आपको घी बहुत कम यूज़ करना पड़ेगा, इससे आप गर्मियों में भी इन लड्डुओं का आनंद ले सकते हैं। अब आप एक कढ़ाई लीजिए, उसमें आपने पानी डाल देना है, तो 1.5 गिलास जितना आप इसमें पानी डाल दीजिए। और इसके बाद मैं स्टैंड रख रही हूँ, और इसके बाद हम क्या करेंगे, इस तरह से इस प्लेट को रख देंगे। ध्यान रखिएगा पानी काफ़ी नीचे हो ताकि पानी बहुत ज़्यादा ऊपर तक नहीं आए, और इसे कवर करके आपको 2 से 3 मिनट के लिए स्टीम कर लेना है। सिर्फ 2 से 3 मिनट के लिए मैंने स्टीम किया है, और ये देखिए अंदर से ड्राई है, ऊपर से लेकिन आप देख सकते हैं थोड़ा थोड़ा पानी आ गया है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, बस इतना ही आपको स्टीम करना है। इससे क्या होगा, आटे में नमी आ जाएगी, और यही नमी हमें काम करेगी 2 तरीके से, एक तो आटे को थोड़ा खसखस यानी कि भुरभुरा बना देगी, और दूसरी बात इसमें नमी भी ला देगी। तो जब हम बाइंड करेंगे अपने लड्डू, तो वो जो लड्डू है उसमें ज़्यादा घी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और बहुत ही बढ़िया तरीके से लड्डू बाइंड हो जाएंगे बगैर किसी झंझट के। तो ये देखिए अभी आटे का आप टेक्सचर देख सकते हो कितना ज़्यादा बढ़िया आ चुका है, बिल्कुल ऐसे ही आपने आटा प्रिपेयर करना है। ध्यान रखिएगा मुश्किल से 4 से 5 मिनट आपको धीमी आंच पे स्टीम करना है, उससे ज़्यादा आपने स्टीम नहीं करना है। और अगर आपको डर है कि पानी बहुत ज़्यादा ऊपर तक आ जाएगा, तो आप क्या कर सकते हो, एल्युमिनियम फॉइल से कवर कर सकते हो। 2 टेबल स्पून जितना घी और डाला है, घी में थोड़ी सी इम्प्योरिटीज़ दिख रही होंगी क्योंकि ये घर का घी है, तो मलाई का जो घी होता है आपको पता ही है, उसमें जो मलाई मतलब जो बचता है वो कई बार घी में भी आ जाता है, खासकर जब घी एकदम लास्ट का चल रहा हो। तो यहाँ पर हमने 2 इलायची ऐसे खोल के डाल दी है, साथ में 1 टीस्पून जितना मैंने डाला हुआ है इसमें
चिरौंजी और साथ ही साथ मैंने 2 टीस्पून जो है इसमें जो हमारे खरबूज के बीज होते हैं वो डाले हुए हैं। तो इन्हें हम थोड़ा सा रोस्ट कर लेंगे। इसके बाद यहाँ पर आप पूरा 1 कप जैगरी पाउडर डाल सकते हैं 2 कप में, या फिर 3/4 कप जितना जैगरी पाउडर आप इसमें डाल सकते हैं। जैगरी पाउडर कुछ भी नहीं होता है, बस जो गुड़ होता है ना, नॉर्मल गुड़ होता है, उसी का पाउडर होता है और कुछ नहीं होता है। तो अगर आपके पास नॉर्मल गुड़ है तो उसी को भी आप कूट पीट के डाल सकते हैं, और अगर नॉर्मल गुड़ को चाहें तो कद्दूकस करके डाल सकते हैं, और चाहें तो इस रेसिपी में चीनी से, यानी कि जो चीनी का भूरा होता है ना, उससे भी आप इस रेसिपी को बना सकते हो। गुड़ हमारा जैसे ही मेल्ट होने लगेगा, हम ये जो आटा जो हमने स्टीम किया था ना, इसे डाल देंगे। डालने के बाद आप इसे बढ़िया तरीके से चलाइए, और इसे आपको धीमी आंच पे कम से कम 3 से 4 मिनट के लिए पका लेना है, या फिर इसी तरह से रोस्ट कर लेना है। इससे क्या होगा कि जो सारा का सारा गुड़ है, जो भी आप देख रहे हैं किस तरह से बड़े बड़े लम्ब्स में फॉर्म हो रखा है, ये मेल्ट होने लगेगा और इसमें अच्छी तरीके से मिक्स हो जाएगा, और इसका कलर जो है आप देखेंगे वो पूरी तरीके से चेंज भी हो जाएगा। तो बस इसी तरीके से आप बढ़िया तरीके से इसे मिक्स कर लीजिए, और इसके बाद जो है हम क्या करेंगे, जब ये अच्छे से मिक्स हो जाएगा तो गैस को बंद कर देंगे। तो ये देखिए, ये काफ़ी हद तक इसका जो कलर है वो पूरा चेंज हो चुका है। मैंने बिल्कुल इसी तरीके से बस इसे चलाया है और कुछ भी नहीं किया है। तो बस अब हम गैस को बंद कर देते हैं और इसे ट्रांसफ़र कर लेते हैं एक बर्तन में, ताकि ये जल्दी जल्दी ठंडा हो जाए और हम इसके जो लड्डू हैं वो बांध पाएँ। तो इस तरह से आप बताइए कि आपने कभी लड्डू बनाना की रेसिपी देखी थी? अगर नहीं देखी थी तो डेफ़िनेटली ट्राई कीजिए, आप सभी को घर में बहुत पसंद आएगा। इसके पहले भी मैंने गेहूं के आटे से खसखस लड्डू बनाने की रेसिपी शेयर की थी, जो कि चीनी से शेयर की थी, चीनी का जो तगार होता है उससे शेयर की थी, लेकिन ये गुड़ वाली है, ये और भी ज़्यादा हेल्दी है, और भी ज़्यादा बढ़िया है, और कम घी में है, तो डेफ़िनेटली आप ट्राई कर सकते हो। और ऊपर से आप इन्हें चिकना करने के लिए हाथों पे थोड़ा थोड़ा सा बस घी लगा लेना, तो ऊपर से चिकनी चिकनी लड्डू बन जाएंगे और ऐसे लगेगा कि अंदर से बहुत ही ज़्यादा रसीले भी हैं। तो बस इसी तरीके से हम दबा दबा कर बढ़िया तरीके से इसके जो लड्डू हैं वो बांध लेते हैं। देख रहे हैं आप कितने ज़्यादा बढ़िया तरीके से बन रहे हैं, बिल्कुल भी बांधने में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। और अब मैंने यहाँ पर ये देखिए पॉपी सीड्स, यानी कि खसखस के दाने या पुस्ता दाना जिसे कहते हैं, वो लिया है, और इसके चारों तरफ मैंने ऐसे ये लपेट दिया है। तो आप चाहे तो इसे कर सकते हैं, नहीं तो इस स्टेप को बिल्कुल भी स्किप कर सकते हैं। तो ये देखिए हमारे लड्डू बनकर के तैयार हो गए हैं। ये गेहूं के आटे के लड्डू बहुत ही ज़्यादा हेल्दी भी हैं, टेस्टी भी हैं। तो इन लड्डू को आप ज़रूर से ट्राई कीजिएगा, और कुछ ज़्यादा कहने की ज़रूरत नहीं है। रेसिपी देख के आप सभी को पता चल ही रहा है कि कितनी ज़्यादा बढ़िया बनी है। मेरे मुँह में पानी आ गया, मैं जा रही हूँ एक और लड्डू खाने। आपके मुँह में भी पानी आ गया ना, तो आपको तो पहले किचन जाना पड़ेगा, पहले बनाना पड़ेगा, फिर जाके आपको ये लड्डू मिलेंगे। लेकिन खैर, रेसिपी तो मैंने आप सबके साथ शेयर की ना, उसके लिए आप मुझे कमेंट सेक्शन में थैंक यू लिख सकते हैं। बाय बाय, अपना ध्यान रखिएगा।